प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। संक्षिप्त में गुरुदेव, मेरा प्रश्न अनुभूति से संबंधित है जी। कंठ का सामने के हिस्से में जो हड्डी, दोनों हड्डियों के बीच का जो लगभग ये हिस्सा है जी, यहाँ पे गुरुदेव साधना के समय काफी तेज झंझनाहट और भारीपन, गुदगुदी जैसी मिश्रित फीलिंग बहुत बार, मतलब अधिकांश होती ही रहती है, और बहुत बार इस तरह से जालंधर बंद जैसी स्थिति मतलब जो बन जाती है अपने आप ध्यान में, तो ये क्या वास्तव में ग्रंथि वाला ही क्षेत्र है या फिर ये साधारण कुछ और है? यहाँ पर क्या होता ऊपरी भाग में, मतलब कंठ पे क्या होता, दोबारा बोलना। यहाँ बोले संवेदना जैसे कि झंझनाहट, तो देखो ग्रंथि यहाँ ना हो करके है यहीं पर साइड में अंदर ही होती है, ठीक है, स्थूल तो होती है, सूक्ष्म में भी वही क्रिया, जो स्थूल में चीज है वही सूक्ष्म में वही आकार होता है। झंझनाहट यहाँ पर क्या होता है कि जब आपकी कुंडलनी ऊर्ज होती है, हाँ, यहाँ तक आती है, महसूस भी होती है, हाँ, हर बार या कुछ दिनों बाद में हमेशा, तो जब कुंडलनी का मुँह यहाँ तक आता होगा, जो मैं समझता हूँ, तो उसका स्वभाव है, वो वैसे उसका स्वरूप है अग्नि तत्व से संबंधित है, और उसका स्वभाव है चैतन्यता को बिखेरती रहती है, यानी मुंह से कुछ उगलती रहती है, जैसे नहीं फुसकार मारती है, यानी फुफकारता है, तो वो आग जैसी, आग नहीं होती है, योग बल जैसी चीज़ है, शुद्धता है, वो चैतन्यता से जैसी ये चीज़ तो बिखेरती, अर्थात उस चीज क्षेत्र को, उस क्षेत्र की जड़ता को नष्ट करती है और चैतन्यता को बिखेरती है। जो जड़ता नष्ट होती है धीरे धीरे, तो वो क्रिया होती है, तो क्या शुद्धता आएगी, तो उस जगह क्रिया सी होती है, झंझनाहट या अन्य कुछ। और जो कभी कभी जब ग्रंथि का क्षेत्र क्या, वो जब यहाँ तक ऊपर अटकती है तो ग्रंथि के नीचे वो मुंह लगा देती, जाके वो मार्ग होता उसी जगह बंद होता, वहीं जाकर टकराती क्या, दबाव देती है, तो वो जब ऊपर को करेगा, वो यही नहीं कुछ नए क्षेत्र में हो सकता, यहाँ भी हो सकता है, सिर के पिछले भाग में यहाँ तक आए, साधक कुछ भ्रम में आ जाते हैं कि लगता है कुंडलनी यहाँ तक आई, नहीं आती है, क्या है कि यहाँ नाड़ियों का गुच्छा सा है और यहाँ से नाड़ियाँ ऊपर भी जाती हैं, तो वो क्षेत्र नाड़ियों वाला क्षेत्र धीरे धीरे गर्म होता, तो सिर का पिछला भाग जो निचला है, तो वहाँ भी गर्माहट कभी कभी जाती, कभी कभी कानों तक भी यानी इधर आ जाती है, तो पीछे मतलब ये क्षेत्र गर्म हो जाता, तो यहाँ तक जो झंझनाहट या वो होगी, तो दूसरे शब्दों में कहूँ यानी विकास क्रम, वो धीरे 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 अभ्यासानुसार होता रहता है, तो इसलिए झंझनाहट होती होगी। और रही बात की ग्रंथि, या अरे वो ग्रंथि के नीचे ही वो अटकती नहीं, आगे का मार्ग नहीं है, बंद है, तो वो प्रेशर मारती है या दबाव देती है, जो भी समझे, तो झंझनाहट, थरथराहट, और जब वो खुलने का होता और ज़्यादा नाड़ियाँ, तो कभी कभी हल्का हल्का दर्द भी महसूस होता, हाँ हाँ, ऐसे ऐसे करें ना, अगर ऐसे करें तो दर्द होगा, या नहीं इस तरह नहीं भी हो सकता, कहो ध्यान में अपने आप हो, और यही नहीं कि ध्यान में हो, ध्यान टूट जाएगा जब बाद में और तेज गति से क्रिया होती, तो गर्दन गले में के अंदर दर्द बना ही रहता है, और वो साधक को सहना ही पड़ता है, ये कहे अगर कोई साधक कहे कि मेरे गले में ये दर्द ना हो, तो अच्छा है कि वो साधना छोड़ दे, हम आपके लिए नहीं कह रहे हैं, और साधक कभी कभी लिख देते हैं कि गर्दन में और ऐसे ऐसे खून हल्का हल्का दर्द जैसा महसूस होता है, तो हमने कहा दर्द को सहन करो, मैं जब ऐसे ही साधक था आप जैसा, तो मैंने तो बहुत दर्द महसूस सहन किया है, यानी भारी दर्द, और दुखता ही रहता था, वो सोते समय भी जाग जाता था, यानी सो रहे हैं गहरी नींद में, तो कहने का मतलब कि हाँ वही क्षेत्र होता है जो कंपन होता है, थरथराहट होती है, आगे चल के ज़्यादा साधना करोगे तो दर्द भी होगा, अभी आपकी साधना धीरे धीरे बढ़ती है सालों साल, ठीक है, लगे रहिए, अनुभव अच्छे लिखते हो, कभी पढ़ता हूँ कभी नहीं भी पढ़ता हूँ, कभी उत्तर भी नहीं देता हूँ, ये तो है, ठीक है, हाँ। Mm-hmm.
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.